नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अनकट स्टोरीज। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। उससे पहले मैं आज की वीडियो के बारे में बात करने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा। अभी मेरी एक रीसेंट वीडियो पे एक मैसेज आता है, अरे भैया आप बहुत बीच में आके बोलते हैं, मत आया करिए स्टार्टिंग में, फटाफट से लड़की की आवाज़ सुना दी जाए। क्यों भाई, घर में कांटे थोड़ना लगे हैं यार, मैं कुछ गलत थोड़ना बोलता हूँ, मेरी आवाज़ पसंद नहीं आती क्या हमारे व्यूअर्स को? ऐसे कमेंट क्यों करते हो यार? चलो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपने व्यूअर्स की भी बात सुनी जाएगी। तो मैं बस छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक ऐसे ट्रैक के बारे में जो महाराष्ट्र में है और बहुत कम लोग उस ट्रैक को भरते हैं, और ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप वीडियो देखिए खुद जान जाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो, मैं हूँ रुखसार एंड यू आर वॉचिंग अनकट स्टोरीज, जहाँ पर हम आपको अलग अलग जगहों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसके बारे में ऑब्वियसली आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि अनकट स्टोरीज पर हम अनकट बातों को आपके सामने रखते हैं, वो भी अनकट तरीके से। तो अनकट स्टोरीज पर आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके जाने वाले हैं जिसके बारे में आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। आपने इस जगह के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह के बारे में आपको पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इस बारे में। वैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में बड़ा मजा आता है, लेकिन कई बार मजा सजा भी बन जाता है। भारत में एक ऐसी जगह है जो सबसे खतरनाक ट्रैक मानी जाती है, माने जहां चढ़ाई करना और लौटना मौत के मुंह से जाकर निकलने जैसा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि 2300 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले पर ना तो पानी बिजली आपको मिलेगी और ना ही आपको वहां पे सीढ़ियां मिलेगी। अगर आप खौफ को मात देने का मादा रखते हैं, डर को मसल देने का जुनून सीने में जिंदा रखते हैं, तो यह ट्रैक आपके लिए ही है। जी हाँ, अनकट स्टोरीज में आज हम आपको एक ऐसी ट्रैकिंग के बारे में, एक ऐसी ट्रैक प्लेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यह किला महाराष्ट्र में मुंबई पुणे रूट पर है, जिसे कलावंती दुर्ग कहा जाता है। कहा जाता है कि किला गौतम बुद्ध के समय से है, पहले इसका नाम मुरंजन किला था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले का नाम बदल कर इसे रानी कलावती के नाम पर रख दिया, तब से यह किला कलावंती दुर्ग के नाम से जाना जाता है। 2300 फीट ऊंचा यह किला देश में सबसे खतरनाक ट्रैकिंग लोकेशन है। किले पर चढ़ना माने मौत के मुंह में जाने जैसा है, क्योंकि यह चट्टान काट काट कर बनाया गया है, इसलिए सीढ़ियां भी टेढ़ी मेढ़ी है, या फिर यूं कहिए कि ऊबड़ खाबड़ चट्टानों की शक्ल में है, जिसे ही आपको सीढ़ी समझकर ऊपर जाना पड़ेगा। उन्हीं पर पैर रख कर उसको सहारा बनाकर आप ऊपर जा सकते हैं। किले पर रेलिंग और रस्सी भी बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किले के आसपास आपको रेलिंग और रस्सियाँ मिल जाएंगी, तो भाई साहब ऐसा भी वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरीके से ना बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है। सोचिए किसी तरह अगर आप ऊपर भी पहुँच जाएँ तो नीचे कैसे आएंगे? जितना चढ़ना मुश्किल है उससे कहीं गुना कठिन इससे उतरना भी है। छोटी सी चूक और जान जोखिम में। पानी बिजली का कोई स्रोत नहीं, ऐसे में ट्रैकर साथ में 3 से 4 लीटर पानी लेकर जाते हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर जाएंगे तो आप अपने साथ पानी का इंतजाम अच्छे से कर लेना, क्योंकि किला चारों ओर हरियाली और चट्टानों से घिरा हुआ है, लिहाजा शाम होते होते किले पर हल्की हल्की ठंड भी महसूस होती है। अगर हिम्मत जुटा कर आप यहाँ जाने का मन बनाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप यूं ही खाली बस्ता हिलाते हुए लेके मत जाना। थोड़ी सी टिप्स भी आप याद रख लें कि आपको अनकट स्टोरीज ने पहले बता दिया था कि वहाँ पे जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे जाने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मई के बीच में।
क्योंकि ट्रैकर्स ऐसा बताते हैं, ऐसा ट्रैकर्स का मानना है कि अगर आप बारिश के दौरान वहाँ गए तो वहाँ पर फिसलने का खतरा दोगुना बढ़ जाता है। बारिश के दौरान यहाँ चढ़ाई करने और उतरने में बेहद दिक्कत होती है, पल पल गिरने फिसलने का डर रहता है। अगर इस दौरान किले की चोटी पर अगर आप पहुंच भी गए, मतलब आप बारिश के टाइम दिलेरी के साथ चले गए वो चोटी पर चढ़ने के लिए, तो तेज़ हवाएं और पानी आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। अब मैंने आपको इस किले के बारे में बता दिया है, ये भी बता दिया है कि ये कितना डेंजरस और कितना एडवेंचरस हो सकता है। लेकिन अगर अब आप सोच रहे हैं, आपने मन भी बना लिया है यहाँ पर जाने के लिए, तो आप जाएंगे कैसे, तो ये भी अनकट स्टोरीज पर हम आपको बता देते हैं। कलावंती दुर्ग किले पर पहुंचना भले ही कठिन हो, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता तो हम आपको बता ही देंगे। यह किला महाराष्ट्र में है, लिहाजा आप मुंबई से पनवेल स्टेशन जा सकते हैं, फिर वहां से बस या ऑटो से ठाकुरवाड़ी गांव पहुंचे। यहां से इस ट्रैक के लिए आपको दूसरे साधन मिल जाएंगे, फिर आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं। तो आज अनकट स्टोरीज पर हमने तो आपको बता दिया है कि आप मुंबई महाराष्ट्र में अगर कलावंती दुर्ग जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, किन किन सावधानियों का भी आपको ध्यान रखना होगा और किस टाइम पे जाना होगा, ये सारी डिटेल्स हमने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने वहाँ पे जाने का मन बना लिया है इस वीडियो को देखने के बाद, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो दिखाओ ना, इसके लिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके भी हमें बताना। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, क्योंकि अनकट स्टोरीज पर ही आपको मिलेगी अनकट जगहों के बारे में बातें। तो आज के चैप्टर में फिलहाल इतना ही, अगले चैप्टर में एक और खास जगह पर आपको लेके जाएंगे। बस देखते रहें अनकट स्टोरीज, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस है आपको यही है आना।